बाहर निकलते हैं तो एक डर सा रहता है कि हाँ भाई मेरे साथ कुछ गलत ना हो। यहाँ से लेकर के वहाँ तक शराबी बैठे रहते हैं। अब घर में जवान जवान बेटी बहू है, अब हम कुछ कह नहीं पाते हैं, आवाज उठा भी नहीं पाते हैं। हमेशा बराबर इस नाले में लाश निकलना, चोरी होना। अगर यहाँ से अगर तुम 8-9 बजे के बाद रात में गुजरते हो ना, तो आपके साथ आराम से मतलब चोरी हो सकती है। अभी यहाँ से सोया हुआ था ये लड़का, मेरा भाई, यहाँ पे इसका फोन चोरी हो गया, 2 फोन चोरी हो गए यहीं से। लड़कियाँ औरतें हैं, टॉयलेट बाथरूम तो है नहीं, बाहर जाते हैं। चलो सरकारी टॉयलेट भी नहीं कि चलो आम जनता इसको इस्तेमाल कर सके। यहाँ पे व्यवस्था सही नहीं है, एक डर सा एक जो माहौल है उस वजह से कोई रखना नहीं चाहता अपनी फैमिली को। एक एक कमरे में 10-10 तो बंदे होंगे ही, शायद 10-10 बंदे होंगे और 16-17 झुग्गियां हैं। कम से कम 150-200 बंदे यहाँ पे रहते हैं और सभी के साथ यही समस्या बनी हुई है। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, इस वक्त आप लोग देख रहे हैं झलको दिल्ली और मैं हूं आपके साथ हिमांशु मुद्गल। देश की राजधानी दिल्ली के एक ऐसे इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं जो इलाका नशे को लेकर के और यहां पर चोरी डकैती और स्नैचिंग को लेकर के ये इलाका बिल्कुल संदिग्ध हो चुका है। आपको बता दें ये है मोती नगर का इलाका, ये मोती नगर का एफ ब्लॉक पड़ता है, सुदर्शन पार्क ये एरिया है। और यहाँ पर जो जनता की समस्या है चोरी को लेकर के डकैती को लेकर के, दिन दहाड़े आए दिनों लोगों की चैन खिंच जाती है, लोगों के मोबाइल छिन जाते हैं, ठीक वही समस्या यहाँ पर बनी हुई है। हम लोगों से बातचीत करते हैं क्या कुछ समस्याएं यहाँ की हैं। यहाँ पे ये चल रहा है ना कि आए दिन जब देखो तो यहाँ पे चाय की दुकान है, चाय की दुकान के बगल में दारू शराब पीते हैं, कुछ लोग बैठ जाते हैं, औरतें लड़कियाँ निकल नहीं पाती हैं। अगर कुछ बोलो तो कहते हैं ये तुम्हारे बाप का लिखा हुआ है, हम क्या बैठेंगे नहीं, तुमने लिखवा रखा है क्या। तो इन सब चीज़ों से भी हम लोग भी बाहर निकल नहीं पाते हैं, लेडीज़ें निकल नहीं पाती हैं। और यहाँ पे पास में नाला भी है तो यहाँ पे आए दिन कभी लाश निकलती है तो आसपास में चोर वोर इधर घूमते रहते हैं, कभी इस तरफ से उस तरफ से, कभी अगर रात ज़्यादा हो जाती है जैसे अगर 9-10 बजे के करीब में मैक्सिमम भी अगर आप निकलते हैं बाहर तो यहाँ पे जैसे कि उस निगाह से देखे जाते हैं कि अभी पता नहीं क्या हो जाएगा। लड़कियों को जैसे निकलना अभी भी ऐसा चल रहा है कि निकल ना सके वो। अब गरीब बंदे हैं, कमाते खाते हैं वो लोग, रेडी रिक्शा चल रखते हैं तो रास्ते से ये उठा ले जाते हैं, कभी ये जो ग्रिल लगी हुई है लोहे काट लेते हैं, तो कभी ये जो नल है इसमें से लोहे निकाल के ले जाते हैं, कभी सड़िया निकाल लेते हैं। तो आए दिन ये सब चलता रहता है। और वारदात के समय भी अगर पुलिस वाले को फ़ोन करो तो वो लोग भी आराम से आते हैं। अगर वारदात पे पहुंचे तभी तो क्राइम रुकेगा ना, नहीं तो आप समय पे पहुंचोगे नहीं तो क्राइम रुकेगा ही नहीं। अभी अभी थोड़ी देर पहले की बात है, जो अभी यहाँ दुकानें फेंकी गई थी और इनको 2-3 सालों से परेशान किया गया, जब मैंने बोला तो मुझे कह रहे कि ए लड़की तू चुप है, नहीं तो तुझे तो मैं बाद में देख लूँ। तो मेरे साथ क्या होगा मुझे पता नहीं है, जो मुझे धमकियाँ दी उन लोगों ने मुझे, तो मुझे अपनी सेफ्टी भी बहुत वो है क्योंकि मैं एक लड़की हूँ तो मुझे तो अपनी सेफ्टी चाहिए ना। मैंने फिर भी अपनी हिम्मत करके मैंने इन लोगों का सपोर्ट किया, मैंने दिखाया, मैंने आप लोगों को बुलाया यहाँ पे और सोचा कि कुछ ना कुछ हमारे यहाँ पे इम्प्रूवल हो, ये जगह भी थोड़ी औरों के जैसे निडरता के साथ बंदे यहाँ चले निकले बाहर हो और औरतें भी बाहर निकले जाएं और अपनी फ्रीडम को महसूस भी सही तरीके से कर पाएं। जी, जैसे नशे में है वो लोग अगर ज़्यादा बोलो आप, हम आपका घर तोड़ देंगे, ये कर देंगे, दुकान निकाल के फेंक देंगे, आप कर क्या लोगे, हम तो यहाँ के लोग हैं, आप क्या। धमकी साफ रूप से देते हैं, साफ रोज का है। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ शौच की है, शौचालय की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। लेडी से बाहर जाती हैं, खुले में जाती हैं, दिन दहाड़े उनको जाना पड़ता है दिन में, और आदमी लोग रहते हैं, मर्द लोग रहते हैं, उनको भी शर्म आती है जो कि उस हिसाब से जाना आना पड़ता है। और वो जाने का भी एरिया देख सकते हैं कि वो ये नाले के गेट उस तरफ जाते हैं और उस तरफ का एरिया देखें तो बिल्कुल खुला रहता है, और जो कि शर्मिंदगी से जा भी नहीं पाते हैं। बहुत ही दिक्कतें हो रही हैं इन सब चीज़ों की। और काफ़ी हम लोगों ने डिमांड किया था यहाँ पे कि टॉयलेट बनवाया जाए, बाथरूम दिया जाए, लैट्रिन बनवाई जाए, लेकिन ऐसा जगह मिल नहीं रहा, कोई दे नहीं रहा। डब्बे एक बार रखवाए तो वहाँ से भी उठवा दिया उन्होंने, हटवा दिया कि नहीं हम यहाँ रखने नहीं देंगे डब्बे को, यहाँ से हटाओ, ये कचरा है, ये है वो है। तो क्या अब अगर सरकार को झुग्गी कोई हटाना है तो आप उसके लिए डिसाइड कर लो ना, आप उसके लिए ये हमें घर दे दो और हटा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ हमारी पूरी व्यवस्था कर दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नहीं तो इम्प्रूवल दे दो ना कि जो जहाँ है वहाँ पे कुछ तो बना कर रह सके, एक टॉयलेट बनवा दो जो कि इज्जत से वो बंदे रह सके, लेडी से रह सके, अच्छे से वो सारी चीज़ों सुविधाओं को यूज़ कर सके। विरोध करते हैं आप इन नशेड़ियों का? बहुत भैया, हम बात बोलते हैं लोगों को कि ना करें ऐसा कुछ काम,
फिर वो क्या बोलते हैं? तो अब ये जैसे अपना इधर के हो गए, आसपास के और हो गए, अपने दूर दूर से आते हैं, जैसे अपना मादीपुर का हो गया, रघुवीर नगर के हो गया, तो यहाँ पे आते पुल के इधर पे छीना छपटी करके जाते हैं, चोरी वगैरह करते हैं, छीना छपटी कर लेते हैं। तो अभी हमारे जानवर भी डले हुए थे पीछे यहाँ से, तो हमारे 30-40 हज़ार रुपये के जानवर हमारे उठा के ले गए हैं, तो किसको बोले, कोई सुनवाई है ही नहीं कहीं पे भी। देखिए, समस्याएं बहुत गंभीर इस वक्त यहाँ पर हो चली है, तमाम क्षेत्रवासी जो हैं इस वक्त दहले हुए हैं इन समस्याओं को लेकर के। जिस तरीके से तमाम लोगों के मोबाइल चोरी हो रहे हैं, लोगों के घर के सामान चोरी हो रहे हैं, डकैती हो रही है, चैन स्नैचिंग हो रही है, इन तमाम समस्याओं का समाधान हो इसके लिए यहाँ के लोगों ने हमसे इस वक्त बातचीत की है। इसी के साथ कैमरामैन सुमित के साथ मैं हिमांशु, झलको दिल्ली, मोती नगर।